दिल्ली हार्ट ऑफ इंडिया। दिल्ली देश की राजधानी होने के साथ साथ अपने हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स, टूरिस्ट अट्रैक्शंस और फूड के लिए भी काफ़ी फेमस है। सो इस वीडियो में मैं आपको दिल्ली के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा कि दिल्ली कब जाएं, कैसे जाएं, कितना खर्च आएगा दिल्ली घूमने का, होटल एंड फूड एक्सपेंस। सो ये वीडियो एज अ गाइड काम करेगी जब भी आप दिल्ली का ट्रिप प्लान करोगे। सो वीडियो को पूरा जरूर देखेगा और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, जिससे कि ट्रैवल फॉर ऑल की सभी इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दिल्ली आना बहुत ही आसान है। हर राज्यों से आपको दिल्ली के लिए डायरेक्ट फ्लाइट और ट्रेन मिल जाएगी। बसेस भी आपको दिल्ली के आसपास के राज्यों से इजिली मिल जाएंगी। होटल की बात करें तो होटल भी दिल्ली में आपको हर टाइप के बजट के अकॉर्डिंग मिल जाएंगे। एवरेज होटल की बात करें तो 500 से 1000 रुपए के बीच में आप एवरेज होटल दिल्ली में ले सकते हैं। दिल्ली घूमने के लिए आप ऑटो, मेट्रो या लोकल बसेस से घूम सकते हैं। सीएनजी ऑटो से आप 50 रुपए में एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। मेट्रो भी दिल्ली में ऑलमोस्ट सभी जगह पर चलती है, मेट्रो से भी आप घूम सकते हैं। मेट्रो का आप प्रीपेड कार्ड ले सकते हैं, जिसमें आप 100 से 200 रुपए डलवा के मेट्रो से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम दिल्ली आ रहे हैं तो आप टूरिस्ट बस से दिल्ली टूर कर सकते हैं, जिसकी टिकट 300 रुपए रहती है और ये आपको 9 घंटे का दिल्ली टूर करवाती है, जिसमें ये सभी दिल्ली की मेजर अट्रैक्शंस कवर होती हैं। सो आप ये ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं। सो अब बात करते हैं दिल्ली में कहाँ कहाँ घूमें। सो फर्स्टली आप जा सकते हैं लाल किला, रेड फोर्ट। मुगल वास्तुकला से बना ये विशाल किला लाल बालू पत्थर से बना हुआ है। इस किले का निर्माण 1638 में करवाया गया था। यहाँ का टिकट प्राइस 35 रुपीज रहता है और टाइमिंग सुबह 9:30 से शाम के 4:30 बजे तक रहती है। रात के समय आप यहाँ पर साउंड एंड लाइट शो भी देख सकते हैं। सेकंड, आप इंडिया गेट जा सकते हैं। राष्ट्रपति भवन की सीध में बना हुआ ये स्थान प्रथम विश्व युद्ध के शहीदों की याद में बनवाया गया था। ये दिल्ली की मेजर अट्रैक्शन है, यहाँ पर भी आप जरूर जाएं और फोटो खिंचवाएं। इंडिया गेट पर शहीद जवानों की श्रद्धांजलि के लिए अमर जवान ज्योति 24/7 जलती रहती है। थर्ड, आप कुतुब मीनार जा सकते हैं। ये भी एक मेजर अट्रैक्शन है दिल्ली की। ये दिल्ली की सबसे ऊंची इमारतों में से एक है। यहाँ की एंट्री टिकट 35 रुपीज और टाइमिंग सुबह 7 बजे से शाम के 5 बजे तक रहती है। फोर्थ, आप हुमायूं का मकबरा देखने जा सकते हैं। इस मकबरे को हुमायूं की पत्नी हाजी बेगम ने बनवाया था। लाल पत्थर व संगमरमर से बना ये मकबरा भी काफी सुंदर बना हुआ है। यहाँ की एंट्री टिकट 30 रुपए और टाइमिंग सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक रहती है। फिफ्थ, आप अक्षरधाम टेम्पल जा सकते हैं, जो कि बहुत ही सुंदर और भव्य मंदिर बना हुआ है और वर्ल्ड के सबसे बड़े हिंदू मंदिरों में से एक है। ये मंदिर अलग अलग भागों में बटा हुआ है, जिसमें नौका विहार, सांस्कृतिक कार्यक्रम और शाम को वाटर शो भी होता है। यहाँ की टाइमिंग सुबह 9:30 से शाम के 6:30 तक रहती है। सिक्स्थ, आप छतरपुर मंदिर जा सकते हैं। छतरपुर में भी आपको कई सारे मंदिर देखने को मिल जाएंगे, जो कि बहुत ही भव्य और सुंदर मंदिर बने हुए हैं। यहाँ पर भी आप जरूर जाएं। सेवंथ, आप इस्कॉन टेम्पल जा सकते हैं, जो कि बहुत ही सुंदर मंदिर बना हुआ है। भगवान कृष्ण और राधा जी को समर्पित ये मंदिर जन्माष्टमी के अवसर पर दुल्हन की तरह सजाया जाता है। एट्थ, आप लोटस टेम्पल जा सकते हैं। कमल का फूल शांति व पवित्रता का प्रतीक है। इसी को दिमाग में रखते हुए इस स्थान का निर्माण किया गया है। यहाँ पर आकर आपको काफी शांति मिलेगी। यहाँ की टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम के 6:30 बजे तक रहती है। 9th, आप नेशनल रेल म्यूजियम जा सकते हैं। पुरानी रेलों को विरासत के तौर पर यहाँ पर रखा गया है, जिसमें कुछ टॉय ट्रेन भी शामिल हैं। यहाँ पर आप डीजल इंजन और स्टीम इंजन से चलने वाली रेल भी देख सकते हैं। यहाँ पर आप शाही रेल की सैर भी कर सकते हैं और आपको यहाँ पर रेस्टोरेंट भी मिल जाएगा। 10th, आप वेस्ट टू वंडर पार्क जा सकते हैं, जो कि इंडस्ट्रियल वेस्ट से बना हुआ एक थीम पार्क है और बहुत ही इंटरेस्टिंग ये पार्क बना हुआ है। यहाँ की एंट्री टिकट 50 रुपए रहती है।
11th आप चांदनी चौक जा सकते हैं, जो कि दिल्ली की सबसे पुरानी मार्केट है। यहाँ पर आप शॉपिंग के साथ साथ दिल्ली के बेस्ट लोकल फूड का मजा भी ले सकते हैं। यहाँ पर आप साड़ीज, सूट, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, एसेसरीज, ऑर्नामेंट, फुटवेयर, फूड आइटम, शॉल, शेरवानी, डेकोरेशन मटेरियल और कलरफुल ड्रेसेस ले सकते हैं। 12th आप कनॉट प्लेस जा सकते हैं। कनॉट प्लेस दिल्ली के सेंटर में बनी हुई एक मेजर अट्रैक्शन है। यहाँ पर आपको काफ़ी सारी शॉप्स, चीप शॉपिंग मार्केट्स, पार्क, स्ट्रीट फूड का मजा आप यहाँ पर ले सकते हैं। 13th आप गुरुद्वारा बांग्ला साहिब जा सकते हैं, जो कि कनॉट प्लेस के पास ही है और काफ़ी बड़े एरिया में बना हुआ है। यहाँ पर भी आप माथा जरूर टेकें। 14th आप लोधी गार्डन जा सकते हैं, जो कि काफ़ी सुंदर गार्डन बना हुआ है। इस गार्डन का निर्माण 15th सेंचुरी में करवाया गया था। 15th आप दिल्ली हाट जा सकते हैं, जो कि एक क्राफ्ट बाजार और ओपन एयर फूड प्लाजा है। यहाँ पर आपको अलग अलग राज्यों की क्राफ्ट आइटम्स देखने और खरीदने को मिल जाएंगी। अलग अलग राज्यों के फूड आइटम्स भी आपको यहाँ पर खाने को मिल जाएंगे। 16th आप दिल्ली जू जा सकते हैं, जो कि 176 एकड़ में फैला हुआ काफी बड़ा जू है। यहाँ की एंट्री फीस 40 रुपए रहती है और टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम के 4:30 बजे तक रहती है। स्ट्रीट शॉपिंग के लिए आप दिल्ली में सरोजनी मार्केट, लाजपत नगर मार्केट, पालिका बाजार जा सकते हैं, जहाँ पर आपको काफी सस्ते में कपड़े मिल जाएंगे। और भी कुछ जगहें जैसे हौज खास, जामा मस्जिद, जंतर मंतर, अगरसेन की बावली, पुराना किला, आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग घूम सकते हैं। सो दिल्ली में काफ़ी सारी जगहें हैं घूमने की। आप यहां पर एम्यूजमेंट पार्क, वाटर पार्क और मॉल्स भी घूम सकते हैं। फूड की बात करें तो इंडिया के हर रीजन का फूड आपको दिल्ली में मिल जाएगा, चाहे वो पंजाबी फूड हो, बंगाली फूड या फिर साउथ इंडियन फूड। और लोकल मार्केट में आपको दिल्ली का फेमस स्ट्रीट फूड भी मिल जाएगा, उसे भी आप जरूर ट्राई करें। एक मील की बात करें तो 100 से 200 रुपए में आपका एक मील का खर्चा आएगा। सो दिल्ली घूमने के लिए आपको मिनिमम 3 दिन चाहिए होते हैं। सो बजट आपका कुछ इस तरह का रहेगा, जिसमें आपका होटल का 3 दिन का खर्चा, अगर आप 1000 रुपये पर डे के हिसाब से होटल ले रहे हैं तो 3000 रुपये, फूड का 2500 रुपये, साइट सींग का 1000 रुपये पर पर्सन, ट्रांसपोर्टेशन का 2000 रुपये पर पर्सन। सो इस तरह से आप 8 से 9000 रुपये में दो जने आराम से दिल्ली घूम सकते हैं। सो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।